मेघालय की 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले राज्य में चुनावी माहौल गर्माया हुआ है क्योंकि बीजेपी ने एनपीपी के साथ पहले ही गठबंधन तोड़ दिया है और साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। मतलब इस बार सारी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस बीच मैदान में उतरे उम्मीदवारों के नामों की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यहाँ नेहरू शूटिंग, फर्स्ट बॉर्न मैनर, सनशाइन, वेल बॉर्न, स्टेप बॉर्न, रेमंड फोर्टिनसन और गोल्डन स्टार जैसे नाम वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वी खासी हिल्स में पाइनरसला सीट से कांग्रेस ने नेहरू शूटिंग को कैंडिडेट बनाया है, जिनके नाम में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सरनेम शामिल है। वे बीजेपी ने अमलारम सीट से फर्स्ट बॉर्न मैनर और एनपीपी सलमान पारा सीट इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर के नाम वाले प्रत्याशी इयान बॉथम के संगमा को मैदान में उतारा है। वेस्ट जयंतिया हिल्स में नर्तियांग से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेनरेस पैसले मैदान में है। इसी जिले की जोवई सीट से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी के मूनलाइट परियात और रालियांग में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के सीनियर लीडर कमिंग वन यम्बन चुनाव लड़ रहे हैं। अमलारम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने फर्स्ट बॉर्न मैनर को उम्मीदवार बनाया है। वे अपनी माता पिता के पहली संतान है, इसीलिए उनका नाम फर्स्ट बॉर्न रखा गया। और ऐसे कई और नाम भी है, जैसे नेशनल पीपल्स पार्टी ने दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले के सलमान पारा सीट से इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर के नाम वाले प्रत्याशी इयान बॉथम के संगमा को मैदान में उतारा। बीजेपी ने चौकपोट सीट से नवम बर्थ चमारो को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अलमा रेम सीट से जेठा मनेर को मैदान में उतारा है। रीभोई जिले के जिरांग में सरमून मारक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाली पार्टी आरपीआई के उम्मीदवार है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फोरकास्टर नोंगराव चुनाव लड़ रहे हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने रीभोई जिले के उमसिनिंग में सनशाइन मकरी को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्वी खासी हिल्स में मावरिंग क्रिंग से बीजेपी कैंडिडेट हाईलैंडर खरनाल की है। मवलाई से प्रोसेस टी सावमी यूडीपी उम्मीदवार है। वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी से ब्राइट स्टार वेल मार्बिनियांग, माफलांग से पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शुभ लिंगदो मा फलांग मैदान में है। माओ केंद्रू से बीजेपी के टिकट पर काउंसलर मुखीम, माओ थराशयन में कांग्रेस से फोर्टिनसन लिंग खोई, पश्चिम खासी हिल्स जिले के नोंगस्टोइन में यूडीपी उम्मीदवार पोल स्टार नोंगसीज चुनाव लड़ रहे हैं। वही टीएमसी से साउंडर काजी दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले में मौकेर वार्ड सीट से चुनावी मैदान में है। बता दें मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। वही एनपीपी को 19 सीटें मिली थी। इसने पीडीएफ और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस एमडीए बनाया। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसे महज 2 ही सीट पर जीत मिली थी। वही राज्य की 7 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स दूसरे स्थान पर और 12 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स तीसरे स्थान पर थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।